हार्दिक स्वागत मेरे प्रिय विद्यार्थियों, श्री कृष्णम वंदे जगतगुरु, मेरा नमस्कार स्वीकार करिए। कैसे हैं आप सब? दो दिनों के बाद मुलाकात हो रही है, लेकिन बहुत 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 स्पेशल सेशन है हमेशा की तरह। आज दक्षिण भारत में बेसिकली चोल आपके लिए हमेशा एक परेशानी का विषय रहा है। चोल वंश, एक प्रश्न दो प्रश्न एकदम फिक्स है यहां से। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत चुनिंदा प्रश्नों के साथ, केवल चोल काल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करने पर आज डिस्कशन करेंगे इस क्लास में। और अब बेहतर होगा कॉपी पेन लेके बैठिएगा और हम लोग शुरू करते हैं आज के सेशन का। पहला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, किस चोल शासक ने, ध्यान से देखिएगा, किस चोल शासक ने श्रीलंका के शासक विजय बाहु से, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मित्रता की और उसकी स्वतंत्रता को मान्यता दी। वो चोल शासक है कौन बेसिकली, जो श्रीलंका के शासक विजय बाहु से मित्रता करता है और उसकी स्वतंत्रता को मान्यता दे देता है। ऑप्शन आपके पास चार हैं, कुलोतुंग प्रथम है, कुलोतुंग तृतीय है, कुलोतुंग द्वितीय है और राजराज तृतीय है। अब मुझे उम्मीद है आप जवाब दे पाएंगे, सरल प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है और यहां पर सही जवाब है कुलोतुंग प्रथम। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न इस संदर्भ में है, आप ध्यान दीजिएगा। ये प्रश्न नेट में आया है, हायर कमीशन में आया है और विभिन्न पीजीटी की परीक्षाओं में, विभिन्न राज्य की जो पीजीटी की परीक्षाएं हैं वहां पर भी ये प्रश्न पूछा गया है। मेरे दो तीन प्रश्नों के जवाब आप और दे दीजिए। पहली बात तो ये है कि चोल शासक राजराज प्रथम है एक, और एक राजेंद्र प्रथम है ना। इन दोनों का समकालीन श्रीलंका का शासक कौन था, श्रीलंका का शासक कौन था? यहां से दो प्रश्न और फिक्स हैं। पहला तो शासक कौन है, तो ध्यान रखिएगा इन दोनों का समकालीन श्रीलंका का शासक है महिंद पंचम। मुझे उम्मीद है आपको रिकॉल करने में दिक्कत नहीं हो रही होगी, और दिक्कत हो रही है तो नोट करिएगा। दो प्रश्न यहां से भी फिक्स हैं कि ये बताइए किसने उत्तरी श्रीलंका पर विजय पाई, और फिर ये कहता है किसने, राजेंद्र प्रथम ने संपूर्ण श्रीलंका पर विजय पाई। तो ये दो प्रश्न यहां पर हो गए। फिर कहते हैं कि श्रीलंका की स्वतंत्रता को मान्यता देने वाला शासक कौन था, तो नो कुलोतुंग प्रथम है। ध्यान रखिएगा इसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है, कुलोतुंग द्वितीय से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है कि किसने वैष्णव संत रामानुजाचार्य को दंडित किया था और अपने राज्य से निकाल दिया था। तो ध्यान दीजिएगा वो कुलोतुंग द्वितीय है, ये कट्टर शैव शासक है, ध्यान रखिएगा। और इसने, वो चूंकि रामानुजाचार्य जी आलवार संत हैं, विष्णु के उपासक हैं, तो कुलोतुंग द्वितीय ने उन्हें राज्य से बाहर जाने का आदेश दे दिया था। फिलहाल एक बड़ी बात और आपको मैं बता दूं, कुलोतुंग प्रथम इस मायने में भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अपनी प्रजा को अतिरिक्त करों से राहत देता है, और इसकी एक बड़ी फेमस उपाधि है, अलग अलग परीक्षाओं में पूछी गई है, आपको याद होनी चाहिए, और नहीं याद है तो याद रखिएगा, शुंगम तविर्त उलगाड़ी, ठीक है, ये उपाधि इसकी नोट कर लीजिए, कुलोतुंग प्रथम की है। तो फिलहाल इस प्रश्न को आपने देखा और यहां से चार पांच प्रश्न आपको नए मिल रहे हैं। फिलहाल अगले प्रश्न को देख लीजिएगा। अब देखिए ये बात तो आ गई, एकदम बढ़िया बात आ गई, और अभी मैंने डिस्कस किया है आपसे, अब जवाब आप दे पाएंगे यहां पे बढ़िया से। वो ये कह रहा है कि चोल शासक ने उत्तरी श्रीलंका पर कब्जा करके लंकेश्वर राज की उपाधि धारण की, और अब बताने की जरूरत नहीं, उत्तरी श्रीलंका की बात आएगी तो जवाब यहां पे दिया हुआ है, बढ़िया, राजराज प्रथम है। जब भी ये बात आती है संपूर्ण श्रीलंका पर किसने विजय प्राप्त की, तो वो राजेंद्र प्रथम है। उत्तरी श्रीलंका पर किसने विजय प्राप्त की, वो राजराज प्रथम है, ठीक है ना। ये कहते हैं कि राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका के शासक महिंद पंचम को बंदी बना लिया और उसे कारागार में डाल दिया, और 12 वर्षों के बाद कारागार में ही उसकी डेथ हो गई। तो ये चीजें यहां पर ध्यान देने की हैं। और फिर ये कह रहा है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, चोल अभिलेखों में श्रीलंका को किस नाम से पुकारा गया है, मुझे बताएंगे चोल अभिलेखों में श्रीलंका को किस नाम से पुकारा गया है, सिंगल द्वीप,
ताम्रलिप्ति, ताम्रपर्णी या फिर ईल मंडलम, चार ऑप्शंस हैं आपके पास लगातार और जल्दी से जवाब दीजिए। मूक दर्शक मत बनिए और रिप्लाई करिए, और अगर आपने कहीं पर भूल से भी सिंगल द्वीप लगाया है तो ऑप्शन गलत है, और यहां पर सही जवाब है ईल मंडलम, यू नो ईल मंडलम। चोल अभिलेखों में श्रीलंका को किस नाम से पुकारा गया है, तो वो ईल मंडलम है, ध्यान रखिएगा। और एक प्रश्न का जवाब मुझे और दीजिए, अशोक के अभिलेखों में श्रीलंका को किस नाम से पुकारा गया है, अशोक के अभिलेखों में श्रीलंका को किस नाम से पुकारा गया है, ऑप्शन यहीं पर है। अब तीन में से एक चुनना है, तो ईल मंडलम आप चुन नहीं सकते अब, और ताम्रलिप्ति भी नहीं चुन सकते, क्यों, क्योंकि ये बंदरगाह है, बंगाल का बंदरगाह है, तो अब इन दो में से कोई एक होगा, सिंगल द्वीप या फिर ताम्रपर्णी, और फिर मैं बता रहा हूं सिंगल द्वीप को चुना है तो गलत है, और यहां पे जवाब है ताम्रपर्णी। अशोक के अभिलेखों में श्रीलंका को ताम्रपर्णी कहा गया है। ध्यान दीजिएगा, आपका सिलेक्शन ऐसे ही प्रश्न निर्धारित करेंगे, खूब सारे प्रश्न आपकी संकल्पनाओं से जुड़े हुए मेरे पास फॉरवर्ड होते हैं, उन प्रश्नों को अगर आप अध्ययन की दिशा में लेके जा रहे हैं, परीक्षाएं जब भी होंगी आपके ऊपर ये प्रश्न अतिरिक्त बोझ का कारण बनेंगे, हमेशा आप ये बात ध्यान रखिएगा अपनी तैयारी में, सरल प्रश्नों को गलत ना होने दें, या उनके गलत होने की जो फ्रीक्वेंसी है उसको थोड़ा कम करिए, कम कर लीजिए ठीक हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अल्टीमेट सिलेक्शन अगर आपके सरल प्रश्न गलत हो गए तो बाधित हो जाता है। अब यहां पर बढ़िया बात है, किस एकमात्र किस चोल शासक ने अश्वमेध यज्ञ किया, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये, एकमात्र किस चोल शासक ने अश्वमेध यज्ञ का संपादन किया। अब ऑप्शंस आपके सामने देख सकते हैं, राजराज प्रथम है, कुलोत्तुंग द्वितीय है, और राजाधिराज प्रथम है, और राजराज तृतीय है, एकमात्र चोल शासक जिसने अश्वमेध यज्ञ किया, और अब जवाब दे सकते हैं तो बताइए मुझे, जल्दी से बताइए, राजराज प्रथम को चुना है तो जवाब गलत है, और यहां पर एकमात्र चोल शासक जिसने अश्वमेध यज्ञ किया उसका नाम है राजाधिराज प्रथम, इज दैट क्लियर। एक प्रश्न और बता दीजिए, सातवाहन शासकों में किसने अश्वमेध यज्ञ किया, सातवाहन शासकों में किसने अश्वमेध यज्ञ किया, बताएंगे, दो नाम मैं आपको देता हूं, एक वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, दूसरा नाम गौतमी पुत्र शातकर्णी, एक नाम और दे देता हूं शातकर्णी प्रथम। तो ध्यान रखिएगा, सातवाहन शासकों में कभी भी आप गौतमी पुत्र शातकर्णी को मत चुनिएगा, और सात वाहनों में वो है शातकर्णी प्रथम जिसने अश्वमेध यज्ञ किया, ठीक है। अब यहीं पर एक प्रश्न और आया है, बताएंगे, जो मुख्य चालुक्य शाखा के शासक हैं उसमें अश्वमेध यज्ञ किसने किया, पुलकेशिन प्रथम ने या फिर पुलकेशिन द्वितीय ने, पुलकेशिन प्रथम ने या फिर पुलकेशिन द्वितीय ने, ध्यान रखिएगा, चूंकि पुलकेशिन द्वितीय के बारे में हमेशा दिमाग में क्लिक हो जाता है वो गलत हो जाएगा, और चालुक्य वंश में आप देखिएगा पुलकेशिन प्रथम है, ठीक है, पुलकेशिन प्रथम है, बेहतर होगा पूरे इतिहास के जितने भी शासक हैं उनके नाम और उन्होंने किस वंश में अश्वमेध यज्ञ किया, 10 किसने किए, 4 किसने किए, 8 किसने किए, 3 किसने किए, 18 किसने किए, आपको पता होना चाहिए, अश्वमेध यज्ञ से भी प्रश्न आया है। एक उपाधि पूछी जाती है, अनेकाश्वमेध याजिनः, अनेकाश्वमेध याजिनः, ये उपाधि किस शासक की है, अब नाम आपको बताना पड़ेगा, अनेकाश्वमेध याजिनः, अनेकों अश्वमेध यज्ञ करने वाला, तो जवाब सीधा सा है और वो जवाब है समुद्रगुप्त, गुप्त वंश का शासक, भारत का नेपोलियन भी जिसे कहा गया है, और वो है समुद्रगुप्त, क्लियर हो गई बात। और अब बात यह है कि राजेंद्र प्रथम के द्वारा किए गए पूर्वी भारत का जो अभियान है, ध्यान दीजिएगा, बंगाल की खाड़ी तक पहुंच जाते हैं ये, किस प्रशस्ति में है,
राजेंद्र प्रथम के द्वारा किए गए पूर्वी भारत के अभियान का विवरण किस प्रशस्ति में है? उत्तर मेरूर प्रशस्ति, तिरुवालंगाडु प्रशस्ति, गंगईकोंड चोलपुरम प्रशस्ति या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो बताइए, मैं समय दे रहा हूं, गलती मत करिएगा, और अगर दिमाग जा रहा है ऐसा तो प्लीज इसको मत चुनिएगा। और यहां पर सही जवाब है तिरुवालंगाडु प्रशस्ति। राजेंद्र प्रथम के पूर्वी भारत के अभियान का विवरण कहां है? ठीक है, मामला क्या है? इसी अभियान के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगईकोंड की उपाधि ली, और फिर आपको पता भी है कि उसने गंगईकोंड चोलपुरम नामक एक नगर भी बसाया। फिर आपको ये भी पता है कि राजेंद्र प्रथम का जब पूर्वी अभियान हुआ तो उस समय बंगाल का शासक कौन था जो पराजित हुआ था? बताएंगे क्या बंगाल में इसका सामना किसके साथ हुआ था? तो याद रखिएगा, उसका नाम है महिपाल प्रथम। और ये सब बड़े चुनिंदा और अच्छे प्रश्न हैं, और अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है, स्वाभाविक सी प्रक्रिया है, तो कोई बात नहीं। और उत्तर मेरूर अभिलेख आपको पता है, उत्तर मेरूर अभिलेख आपको पता है, परांतक प्रथम, उत्तर मेरूर अभिलेख, परांतक प्रथम और संवैधानिक सभाओं के बारे में जो चर्चाएं हुई हैं, इसी जो ग्रामीण जो स्वायत्तशासी संस्थाएं हैं उनके बारे में उत्तर मेरूर अभिलेख में जानकारी मिलती है फिलहाल। और देखिए, ये प्रश्न भी छात्रों के द्वारा फॉरवर्डेड है मेरे पास। पूर्वकालीन दक्षिण भारतीय राजतंत्र में उडनकुट्टम, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, उडनकुट्टम शब्द का तात्पर्य क्या है? उडनकुट्टम शब्द का तात्पर्य क्या है? ऑप्शंस हैं, होयसल राज्य में लगने वाला कर है, चोलों के अंतर्गत अधिकारियों का एक समूह है, चोलों के द्वारा संपादित गठित नौसेना है, या फिर चोलों के राज्य में लघु ग्रामों का एक समूह है। तो मुझे उम्मीद है इस प्रश्न को कर पाएंगे। और ये है अधिकारियों का एक समूह। अब मामला ये है कि सर, वो प्रश्न जो थोड़ा सा ट्विस्ट है उस प्रश्न में, तो वो ट्विस्ट जो भी है वो यहां से दूर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो चोलों का प्रशासनिक अधिकारियों का वर्ग है वो दो भागों में विभाजित है, एक कहलाता है पेरुंदनम, दूसरा कहलाता है शुरुंदनम, उच्च अधिकारी और निम्न अधिकारी। पेरुंदनम, शिरुंदनम। अब बात यह आ रही है कि भाई राजा के निजी सचिव, पर्सनल असिस्टेंट को उडनकुट्टम कहा गया है। अब यहां पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, जो राजा के निजी सहायक हैं उनको क्या कहा गया है? उडनकुट्टम कहा गया है। बहुत क्लियर कट, बहुत सारी बातें आपको पता चलेंगी। फिर एक बात यह आ रही है कि राजा के आदेशों को प्रथमता लिखने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? जैसे राजा जो भी आज्ञाएं देता था, राजा की जो राजाज्ञाएं होती थी, राजा के जो भी आदेश होते थे उनको पहली बार उसका कच्चा खाका कौन लिखता था? वो था औलय। ये भी एक अधिकारी है, अर्थात औलय सम्राट के आदेशों एवं राजाज्ञाओं का कच्चा मसौदा तैयार करता था। जबकि औलय नायगम, अब ध्यान दीजिएगा, एक औलय है और एक औलय नायगम है, इन आदेशों एवं राजाज्ञाओं को अंतिम रूप प्रदान करता था। औलय फॉरवर्ड करता था औलय नायगम को, और औलय नायगम उसमें संशोधन वगैरह करके और उसका फाइनल प्रारूप तैयार करता था, वो था औलय नायगम। तीनों बातें क्लियर हो गई, उडनकुट्टम, औलय और औलय नायगम और पेरुंदनम शिरुंदनम आपको क्लियर हो गए। यहां से 5-6 प्रश्न क्लियर हो रहे हैं। अब एक बात है यहां पे, देखिए थोड़ा सा और डिटेल में करता हूं। महत्वपूर्ण है कि इन अधिकारियों को नगद वेतन देने की परंपरा नहीं थी। ध्यान रखिएगा, इन अधिकारियों को नगद वेतन देने की परंपरा नहीं थी। सामान्य तौर पर राजकीय कर्मचारियों को पारिश्रमिक के तौर पर जमीनों का भू राजस्व हस्तांतरित किया जाता था, यानी कि जो भू राजस्व है वो ट्रांसफर किया जाता था।
और वेतन के बदले दी गई इन करमुक्त भूमियों को, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, वेतन के बदले दी गई इन करमुक्त भूमियों को क्या कहा गया है, जीवित कहा गया है। और अधिकांश छात्र जल्दबाजी में हो सकता है कि वहां पर ब्रह्मदेह लगा दें। दक्षिण भारत में करमुक्त जमीनें जो वेतन के बदले दी जाती थीं, वो यहां पर जीवित कही गई हैं। क्लियर है, प्राचीन भारत में ब्रह्मदेह कही जा सकती हैं। और यही आप ध्यान रखिएगा, दिल्ली सल्तनत में जो जमीनें दी जाती थीं, वेतन जो भूमि का टुकड़ा दिया जाता था, वो इक्ता कहलाता है। यहां पर ये बातें एकदम क्लियर करिए, और भी बातें मैं आपसे भी डिस्कस करता हूं। एक बड़ी बात यह है कि करमुक्त जमीनें, बहुत ध्यान से सुनिए, करमुक्त जमीनें और वेतन के बदले दी जाने वाली करमुक्त जमीनें, दोनों में फर्क है। जो वेतन के बदले ट्रांसफर की गई है जमीनें, उनको जीवित कहा गया है। लेकिन अगर वो जमीनें किसी को ट्रांसफर्ड हैं जो सामान्य तौर पर टैक्स फ्री हैं, किसी व्यक्ति को इनाम के तौर पर, किसी व्यक्ति को राज्य की सेवा के बदले अगर कोई भूमि दी जाती है और वो टैक्स फ्री है, तो उसको इराइल कहा गया है, इराइल कहा गया, ध्यान रखिएगा। और वेतन के बदले अगर दी गई है तो वो जीवित कहलाती है। फिलहाल यहां पर थोड़ा ध्यान से देखिए वो क्या क्या प्रश्न आए हैं आपके पास। एक प्रश्न ये भी आया है कि राजस्व विभाग का अधिकारी चोलकाल में क्या कहलाता है, वो कहलाता है वारित पोतक। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस प्रश्न को यूपीएससी ने भी पूछा है, नेट ने भी पूछा है और पीजीटी ने भी पूछा है, और अदर स्टेट की अन्य जो भी परीक्षाएं हैं वहां पर भी ये प्रश्न लगातार पूछा गया है। फिर कह रहे हैं कि राज्य के प्रत्यक्ष नियंत्रण वाली भूमि को क्या कहा गया है, ध्यान रखिएगा मैं चोलकाल की बात कर रहा हूं, राज्य के प्रत्यक्ष नियंत्रण वाली भूमि को प्रभु मान्यम कहा गया है। आज का लेक्चर चोलकाल आपने कितना भी पढ़ा हो, मुझे ऐसी उम्मीद है कि यहां से एक प्रश्न मिलने की संभावना है। इस 45 मिनट के लेक्चर में आपको एक प्रश्न मिलने की संभावना है, वो राजा के प्रत्यक्ष नियंत्रण वाली भूमि जो है वो प्रभु मान्यम कही गई। और ध्यान रखिएगा मौर्य काल में फिर क्या होता है, मौर्य काल में राजा के प्रत्यक्ष नियंत्रण वाली भूमि को सीता कहा गया है। एक बात ये भी ध्यान देने की है, मौर्य काल में राज्य के प्रत्यक्ष नियंत्रण वाली भूमि को सीता कहा गया है, तो फिर वैदिक काल में सीता क्या है, वैदिक काल में सीता क्या है, हल से बनी रेखाएं या हल से बने कूण, ध्यान रखिएगा। फिर दिल्ली सल्तनत एवं मुगल काल में इसे खालसा कहा गया है, ऐसी भूमि जो सीधे तौर पे राज्य के प्रत्यक्ष नियंत्रण में है वो दिल्ली सल्तनत और मुगल काल में खालसा कहलाती है। ये बात क्लियर हो गई। और अब ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने आपको बताया कि वेतन के बदले दी गई जो भूमि है, टैक्स फ्री भूमि है, वो जीवित कहलाती है। और करमुक्त भूमि की सामान्य संज्ञा वो इराइल है। क्लियर हो रहा है, इतनी बातें क्लियर हो रही हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बेहतर होगा नोट कर लिया करिए। और अब यहां पे मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन प्रश्न भी है और ऑप्शन भी सामने है, वेतन के बदले दी जाने वाली करमुक्त जमीनें क्या कही गई हैं, जीवित कही गई हैं। और अब अगले प्रश्न पे आ जाइए। बहुत सारे टैक्स लग रहे हैं चोल काल में, तो वो ये कह रहा है कि चोल काल में आवास कर यानी कि हाउस टैक्स यानी कि मकान पर लगने वाला कर क्या कहलाता है, इरे कडे इरे या फिर मने इरे या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं, मुझे बताइए, जवाब दीजिएगा। और अगर यहां पे कुछ समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो वो है मने इरे, मकानों पर लगने वाला कर। यहां भी मां कॉमन है, यहां पर भी मां कॉमन है, हाउस टैक्स आवास कर, और वो है मने इरे। क्लियर हो रहा है, ध्यान रखिएगा ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और आज का सेशन कितना इंपॉर्टेंट है,
और कितनी जानकारियां आपको सिस्टमैटिकली मिल रही हैं, ये वो छात्र बहुत अच्छे से समझ सकते हैं जिन्होंने हमारी इस इतिहास की बुकलेट को मंगाया है। जो मैंने आपको हमेशा सूचना दी है कि एक हम लोगों की हिस्ट्री की बुकलेट है जिसमें प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत के केवल परीक्षोपयोगी टॉपिक हम लोगों ने तैयार किए हैं। और ये बुकलेट बहुत से छात्रों ने मंगाई है। मैं हमेशा कहता रहा हूं कि ये बुकलेट आपके रिवीजन में बहुत मदद कर सकती है। एक बार दो बार जब आपने इतिहास को पढ़ा है तो फाइनली परीक्षा उपयोगी जो टॉपिक हैं इसमें कवर किए गए, आप चाहें तो इस बुकलेट को स्पीड पोस्ट के माध्यम से जानकारी प्राप्त करके मंगा सकते हैं। एक हम लोगों की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है जिसमें प्रत्येक प्रश्न पत्र में 125 प्रश्न होते हैं, 125 इतिहास के तीनों खंडों में बराबर विभाजित हैं। आप चाहें तो इस टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। परीक्षा तक लगातार चलती रहेगी, परीक्षाएं जब भी होंगी। ये टेस्ट सीरीज हमारी हफ्ते में एक दिन हो रही है और चलती रहेगी लगातार। इच्छुक नए छात्र इसमें चाहें तो जुड़ सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग अगले सेशन में जाते हैं और अगला क्वेश्चन कुछ बात और आ गई, एक्सप्लेनेशन है। वो कह रहा है आवास कर क्या है, वो है मने हीरे। तो अब थोड़ा सा ये देख लीजिए कि वो कौन कौन से कर लग रहे हैं चोल काल में, कुछ प्रमुख कर हैं यहां पे। मैंने आपको पहले ही प्रश्न में ये बताया था कि कुलोतुंग प्रथम ने शुंगम तविर तुलगाड़ी की उपाधि ली, तो यहां पर ये बात बिल्कुल ठीक है कि उसने प्रजा को करों से राहत दी, कुलोतुंग प्रथम ने। ये लिखा हुआ है शुंगम तविर तुलगाड़ी की उपाधि ली, एक प्रश्न तो ये फिक्स हुआ आपका, हमेशा पूछा जाता है। अब वो कह रहा है कि कौन कौन से कर हैं, खास करों को मैंने कंप्लीट किया है और मुझे उम्मीद है इसी में से आपको प्रश्न मिल जाएंगे। आवास कर मने इरे, दुकानों पर लगने वाला कर क्या है, कडे इरे। और ध्यान दीजिएगा दो प्रश्न तो बड़े सॉलिड पूछे गए हैं। उपयोगी वृक्षों पर लगने वाला कर, एक तो मरमज्जाड़ी पूछा गया है और शायद आपको याद हो अगर आपने पिछले प्रश्न पत्रों को देखा होगा, पडिका कलबूली पूछा गया है। तो मरमज्जाड़ी को ध्यान रखिएगा, वो वृक्षों पर लगने वाला कर है, ठीक है। फिर देखिएगा पशुओं पर, जो पशु पालते हैं उस पर जो कर लग रहा है, वो कह रहा है किडा ककश। मुझे उम्मीद है ये भी आपने देखिया, नोट कर लीजिएगा, कई कई बार बोल के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये बहुत आवश्यक है कि आपको दक्षिण भारत बोल बोल के पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो बड़ा मुश्किल है, याद नहीं कर पाएंगे। स्थानीय सरदारों के द्वारा वसूला जाने वाला कर था पडिका कलबूली, ये सुरक्षा कर भी कह सकते हैं आप इसको। द्वार कर वाशित मखम, द्वार कर का मतलब है जब सम्राट से आप मिलने जाते हैं तो दरवाजे पर कुछ आपको पर्ची कटवानी पड़ती है, तो वहां पर द्वार कर। फिर देखिएगा बढ़ई लुहार कुम्हार से वसूला जाने वाला कर मगमय, बहुत इंपॉर्टेंट है। तेलियों से वसूला जाने वाला कर फेरवरी, जो तेल का काम करते हैं। सुनारों से वसूला जाने वाला कर तट्टोली या फिर तट्टोपाटम, ये भी पूछा गया है। देख लीजिए प्रश्न बहुत बढ़िया बढ़िया बने हैं इसमें, और इतने बढ़िया प्रश्नों का संकलन जल्दी से मिलेगा नहीं। और बेगार को उत्तर भारत में विष्टि कहा गया है, दक्षिण भारत में वेत्ति अथवा वेदने कहा गया है। मुझे उम्मीद है आपने देख लिया होगा, बेहतर होगा स्क्रीनशॉट ले लीजिए नोट ना कर रहे हो तो। फिलहाल आगे देखिए, उपवन एवं उद्यान समिति क्या कहलाती है, उपवन एवं उद्यान समिति क्या कहलाती है मुझे बताइएगा। चार ऑप्शन हैं आपके पास इधर, कलणी वार्यम, एरी वार्यम, पोन वार्यम और तोट्टा वार्यम, बताइए जल्दी से। और बिल्कुल यहां पे सही जवाब आ रहा है कुछ लोगों का, तोट्टा वार्यम, ठीक है। ध्यान रखिएगा गलती ना हो, और आपको मैं अभी कुछ समितियों के बारे में और बता देता हूं। एक प्रश्न और दे दीजिएगा जवाब, खेतों की देखभाल करने वाली समिति क्या कहलाती है, खेतों की देखभाल करने वाली समिति क्या कहलाती है। तोट्टा वार्यम तो हो ही नहीं सकता, पोन वार्यम, एरी वार्यम या फिर कलणी वार्यम, बताइएगा। बढ़िया जवाब दीजिएगा, और ये जवाब है
कलणी वारियम, क्लियर हुआ। और अब आइए कुछ और एक्सप्लेनेशन देते हैं आपको। और महत्वपूर्ण समितियां कौन कौन सी हैं देखिएगा। तोट्टावारियम उपवन एवं उद्यान समिति है, ठीक है। एरीवारियम सिंचाई समिति है, सिंचाई जो जलाशय समिति है। पोन वारियम ये स्वर्ण संबंधी समिति है। उदासीन वारियम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है। उदासीन वारियम विदेशियों और सन्यासियों की देखभाल करने वाली समिति है। और कलणी वारियम खेतों की देखभाल करने वाली समिति है। ये प्रश्न आपने अभी देख ही लिया, ठीक है। तो इन समितियों के नाम याद रखिए। कुछ बातें और हैं आगे, इसको भी देख लीजिए आप। मंदिरों की देखभाल करने वाली समिति क्या कहलाती है? नाक्षातार। मंदिरों की देखभाल करने वाली समिति क्या कहलाती है? वो कहलाती है नाक्षातार। और फिर मंदिर के पुजारियों के संगठन क्या थे? वो कहलाते हैं मूल परुडैयार। क्लियर हो रहा है? मुझे लग रहा है सारे डाउट्स आज क्लियर हो जाएंगे आपके जो कठिन प्रश्नों में है। अब मुझे बताइए, चोल वंश में सर्वप्रथम किसने नहरें बनवाई? बहुत बढ़िया प्रश्न है भाई। चोल वंश में सर्वप्रथम किसने नहरें बनाई? विद्यालय है, राजराज प्रथम है, परांतक प्रथम है, या फिर राजेंद्र प्रथम है? बताइएगा मुझे, फटाफट बताइएगा। चोल वंश में नहरें बनाने वाला पहला शासक कौन है? और अगर यहां पे आपने गलती से राजराज प्रथम को चुना है तो जवाब गलत हो जाएगा, और वो है परांतक प्रथम। मुझे बताएंगे उत्तर भारत में नहरों का पहला अभिलेखी साक्ष्य कौन सा अभिलेख है? उत्तर भारत में नहरों का पहला अभिलेखीय साक्ष्य कौन सा अभिलेख है? वो है खारवेल का हाथी गुंफा अभिलेख, ध्यान रखिएगा। और एक बात मैं और पूछ लेता हूं, कहिए तो दिल्ली सल्तनत में नहरें बनवाने वाला, पहली बार नहरें बनवाने वाला शासक कौन है? दिल्ली सल्तनत में नहरें बनवाने वाला पहला शासक, सर्वप्रथम नहरें बनवाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन है? और अगर गलती हो रही है इस प्रश्न में तो गड़बड़ है, बताइएगा मुझे कौन है। और वो जवाब है गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है, ध्यान दीजिएगा भाई। फिरोज शाह तुगलक चुनेंगे तो गलत हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक ने सर्वाधिक नहरें बनवाई, ठीक है। नहरों से भी पूछे जाते हैं प्रश्न, कौन सी नहर कब, और फिर वो कह रहे हैं कि कौन सा चोल शासक कोप्पम के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ? आप ध्यान रखिएगा, कोप्पम का युद्ध है, तक्कोलम का युद्ध है, ये सारे प्रश्न बहुत बहुत बार पूछे गए। तो कोप्पम के युद्ध में कौन सा चोल शासक वीर गति को प्राप्त हुआ? राजाधिराज प्रथम, वीर राजेंद्र, राजेंद्र द्वितीय, या फिर अधिराजेंद्र? तो मुझे उम्मीद है इस प्रश्न का जवाब सही आना चाहिए, और यह प्रश्न है राजाधिराज प्रथम। और फिर यह प्रश्न आता है कि फिर इसके किसी भाई ने, भाई का नाम मैं नहीं बता रहा हूं, युद्ध भूमि में अपना राज्याभिषेक करवाया। फिलहाल एक बात यहां पे यह ध्यान रखिएगा, चोलों और चालुक्यों का संघर्ष लगातार चला है, तो उसमें कई कई बार ऐसा हुआ कि एक शासक पराजित होता रहा और बाद में वो तुंगभद्रा नदी में डूब कर आत्महत्या कर लेता है। उसका नाम अगर आप मुझे बता पाए तो सोमेश्वर प्रथम, द्वितीय, तृतीय, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहां पर सोमेश्वर प्रथम है, ठीक है। और एक पुस्तक है सोमेश्वर तृतीय की, ये जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सोमेश्वर तृतीय की एक बहुत फेमस पुस्तक है, ये जवाब आपको अभी देना है। और अब थोड़ा सा अगले प्रश्न को देख लीजिएगा। वो प्रश्न आपके सामने है कि किस चोल शासक ने सोमेश्वर प्रथम को पराजित किया और युद्ध भूमि में ही अपना राज्याभिषेक करवाया? तो वो जो राजाधिराज प्रथम की जब वीरगति हो जाती है तो उसके छोटे भाई ने युद्ध भूमि में ही अपना राज्याभिषेक करवाया और सोमेश्वर प्रथम को उसने परास्त किया। तो इसमें देखिएगा कौन है, वीर राजेंद्र है,
राजेंद्र द्वितीय है, विक्रम चोल है या फिर राजेंद्र प्रथम है, तो अब ये नहीं हो सकता। ठीक है, और ये है राजेंद्र द्वितीय। मुझे उम्मीद है ये बात क्लियर हो रही होगी। एक बात मैं आपको और बता देता हूं, जैसे सारे चोल शासक मुख्य तौर पे शैव धर्म के फॉलोअर थे, समस्त चोल शासक सामान्य भाव में शैव धर्म के उपासक थे, शिव के उपासक थे। एकमात्र चोल शासक जो वैष्णव धर्म का उपासक था, विष्णु का उपासक था, उसका नाम है विक्रम चोल। मुझे उम्मीद है ये बात क्लियर हुई होगी। कुलोत्तुंग द्वितीय कट्टर शैव था, उसने थोड़ा सा वैष्णव धर्म के प्रति असहिष्णुता की भावना दिखाई और रामानुजाचार्य जी को उसने अपने राज्य से निष्कासित कर दिया था फिलहाल। तो अब थोड़ा देखिएगा, चोल साम्राज्य के किस शासक के विरुद्ध विद्रोह में विद्रोही भीड़ ने उसकी हत्या कर दी, कौन सा शासक प्रजा के विद्रोह में मारा गया, अधिराजेंद्र, वीर राजेंद्र, विक्रम चोल या फिर राजेंद्र द्वितीय। मतलब एक चोल शासक ऐसा है जो प्रजा के विद्रोह में मारा गया, आप मुझे बताइए कौन सा है वो, फटाफट देख लीजिए। और अधिराजेंद्र, वीर राजेंद्र, विक्रम चोल या फिर राजेंद्र द्वितीय, और यहां पर सही जवाब है अधिराजेंद्र। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और भविष्य में हो सकता है एक आध सेशन हम अभी और ले लेंगे, प्रश्न बहुत सारे हैं। मतलब इसमें चोल में तो केवल आप मेरे 300 प्रश्न हल कर लीजिए केवल चोल पे, और लगभग 2-3 प्रश्न जो पूछे जाते हैं सामान्य तौर पे मिल ही जाते हैं उसमें। तो फिलहाल इस प्रश्न को देखिए, वो कह रहा है कि स्थानीय स्वशासन के लिए उत्तरदायी जो समितियां हैं उनके सदस्यों का जो कोई एक वक्तव्य है जो सत्य नहीं है, मतलब गलत है, तो उसमें कौन सा एक विकल्प सही नहीं है। मतदान के द्वारा चुने जाते थे या फिर चिट्ठी निकाल कर चुने जाते थे, लॉटरी के द्वारा चुने जा, अब इन्हीं दो में से कोई एक बात है और वो गलत नहीं है, सत्य नहीं है, माफ कीजिएगा, सत्य नहीं है मतलब असत्य है, गलत है, तो वो यही है। क्यों? क्योंकि वो मतदान के द्वारा नहीं चुने जाते थे, लॉटरी निकाल के चुने जाते थे, फिर चिट्ठी निकाल के चुने जाते थे, कुछ शर्तों को पूरा करना पड़ता था, और चोरी के अपराध में दंडित व्यक्ति इस समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचित नहीं हो सकता था, उसका चुनाव, उसका चयन नहीं हो सकता था। फिर देखते हैं कि आगे क्या बात हो रही है इन समितियों के लिए, थोड़ा सा देखिएगा क्या क्या बातें हैं। पहली बात, इसके सदस्य अवैतनिक थे, इनको वेतन नहीं मिलता था, एक बात। सभा के बैठने का स्थान ब्रह्म स्थान कहलाता है, ये प्रश्न भी आया है यूपी पीसीएस में, ये प्रश्न आया है कि इनकी बैठकें कहाँ होती थी, तो ये बैठकें नदी के किनारे मंदिर के चबूतरों पर होती थी, और सभा के सदस्यों का निर्वाचन लॉटरी पद्धति से होता था, इसके लिए कुछ अनिवार्य योग्यताएं भी हैं, ध्यान दीजिएगा, कुछ अनिवार्य योग्यताएं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ऐसा कहीं मिलता नहीं है, इतनी बढ़िया बात है। 35 से 70 वर्ष उम्र हो, यानी कि वो व्यक्ति जो भी अपने गांव के लिए चुना जा रहा है वो अनुभवी व्यक्ति हो, 35 से 70 वर्ष का हो, वैदिक मंत्रों का ज्ञाता हो, एटलीस्ट पढ़ा लिखा हो, ज्ञानी व्यक्ति हो, मूर्ख व्यक्ति ना हो। फिर देखिए, उसका अपना मकान हो, 1/4 वेली भूमि का मालिक हो। ये पूछा गया है कि दक्षिण भारत में भूमाप की इकाई को क्या कहा गया है, तो दक्षिण भारत में भूमाप की इकाई को वेली कहा गया है, और 1 वेली = 6 एकड़। क्लियर? व्याभिचारी ना हो, पंचमहापापी ना हो, तथा किसी अभियोग का दोषी ना हो, यानी कि अगर उस पर कोई अभियोग चल रहा है तो वो अभियोग मुक्त होने तक वो चुनाव नहीं लड़ सकता है, वो खड़ा नहीं हो सकता इस समिति के सदस्यों के चुनाव के लिए। किसी भी सदस्य का दोबारा चुनाव संभव है, लेकिन पहली और दूसरी उम्मीदवारी के मध्य 3 वर्ष का अंतर अनिवार्य है, 3 वर्ष का अंतर अनिवार्य है, यानी आप लगातार कंटिन्यूअसली नहीं चुने जा सकते। मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया बातें यहां पे, ध्यान दीजिएगा। फिर देखिए,
और सबसे बड़ी बात, ये सारी बातें सिस्टमेटिकली आपकी बुकलेट में उपलब्ध हैं, इतने बढ़िया से उपलब्ध हैं। ये चुनाव लॉटरी पद्धति से संपन्न होते थे और इन चुनावों को क्या कहा गया है, कुड वोले कहा गया है, कुड वोले। इन समितियों का कार्यकाल कितने दिन का होता था, 360 दिन का होता था और शेष 5 दिनों में ये अपना संपूर्ण लेखा जोखा गांव के समक्ष प्रस्तुत करती थी कि साल भर में हमने क्या किया। बात समझ में आ रही है, मतलब किसी भी सदस्य का निर्वाचन एक वर्ष के लिए होता था, लगभग एक वर्ष, 360 दिन का उसका कार्यकाल है और 5 दिन में वो उसको अपने वर्ष भर की कार्य की डिटेल देनी है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? और आगे बढ़ते हैं, और मुझे लग रहा है काफी क्वेश्चन आप लोगों ने, ओहो, तो फिर आज की क्लास को समाप्त करने का वक्त है। आज आपने लगभग 70-75 प्रश्नों को हैंडल कर लिया, 16-17 प्रश्नों में, हर प्रश्न में मैंने आपको 3-4 अलग से इन्फॉर्मेशन बताई और इतनी सारी डिटेल्स मैंने आपको दी। तो फिलहाल हम लोग अगले सेशन में जल्दी मिलते हैं, त्योहारों का सेशन है तो हो सकता है बीच में एक आध लेक्चर में और ले पाऊंगा, फिर हम लोग दीपावली के बाद लगातार मिलने की कोशिश करेंगे। आज मुझे विदा दें, धन्यवाद और नमस्कार।